वो रहने वाले महलों की। घर की शांति बचाने के लिए मैंने ही झूठ बोला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये झूठ उल्टा मुझ पर ही पड़ जाएगा। बात इस हद तक पहुंच जाएगी, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। अभी तो आगाज है, अंजाम देखिए देवर जी, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा रानी, मैं चलता हूँ। राज बेटा, ये तेरे पापा की दवाओं की चिट्ठी है, ये याद से लेते आना लौटते वक्त। जी। अरे हाँ, देख मैं भूल ही गई तुझसे पूछना, तू कल अपनी बाइक क्यों नहीं ले गया? वो बस सीधा मेरे ऑफिस के उधर ही उतारती है, इसलिए। अरे बेटा, बस में इतनी भीड़ होती है, ऑफिस पहुंचते पहुंचते तो कितना थक जाता होगा। कोई जरूरत नहीं तुझे बस में आने जाने की, चार पैसे बचाने के लिए अपनी जान क्यों खराब करता है, तो बाइक से ही जाया कर, ठीक है? याद से दवा ले आना बेटा। हाँ जी माँ। अरे राज, जरा ये ऑफिस जाते वक्त बिजली का बिल भर दोगे? आज आखिरी तारीख है। अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, तुम्हारे भैया को बोल दूंगी, वो भर देंगे। वो क्या कहते हैं? लेट फी के साथ। जी नहीं, मैं भर दूंगा। अच्छा, थैंक यू। पैसे वैसे यूं ही पूछ लिया। राज, अब आप क्या करेंगे? टेलीफोन बिल, मेडिकल बिल, ये सब आप? घबराऊं मैं, सब कुछ हो जाएगा। वॉलेट में तो इतने पैसे आ ही जाएंगे। डोंट वरी, आई विल मैनेज। Hi. Yeah, hi.
या प्रिंट्स बहुत अच्छा है डेफिनेटली या प्रिंट्स बहुत अच्छे हैं डेफिनेटली ओके बाय बाय क्या देख रहे हो ये क्या सीखना है क्यों मैं भी आपकी तरह फोटो खींचूंगा क्यों तुम्हें फोटो क्यों खींचना है सब बच्चे बड़े होके अपने पापा जैसे ही तो बनते हैं ना तुम पढ़ा अमित 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 मैं क्यों रोक रहे हो अपने आप को तुम अगर तुम्हारा दिल उस बच्चे की तरफ खींच रहा है तो बढ़कर उसे सीने से क्यों नहीं लगा लेते अगर मुझे एक पल के लिए हंसी आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा मेरा हो गया या मैं उस बच्चे का बाप हूँ देखो मधु मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ मैंने तुम्हें उस बच्चे को एक्सेप्ट करने से कभी नहीं रोका लेकिन तुम मुझे उसे स्वीकार करने के लिए फोर्स नहीं करोगी दैट्स इट जीजी को बैठने के लिए नहीं कहोगी क्या आइए जीजी बैठिए हम आपके लिए चाय कॉफी कुछ लेके आते हैं रानी प्लीज प्लीज बैठो ना रानी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ इनफैक्ट मैंने पुनीत से भी कहा उसने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया राज को जॉब देकर फिर उसकी इंसल्ट करके उसे जॉब से निकालना ये सब करने का पुनीत को कोई हक नहीं था जी जी बहुत देर हो चुकी है अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है रानी तुम्हें याद है लोग हम बहनों के प्यार की मिसाल दिया करते थे हम बहनों में झगड़ा तो दूर की बात कभी हमने एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और आज रानी क्या आज हम इतने पर आए हो गए कि एक दूसरे से बात तक करने से कतरा रहे हैं नहीं मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दे रही हूं गलती मेरी भी थी मेरा भी बिहेवियर एटीट्यूड कुछ अच्छा नहीं था लेकिन क्या हम आपस में बात करके अपनी नाराजगियां दूर नहीं कर सकते
रानी मैं ये भी बात मानती हूँ कि जो कुछ भी पुनीत और राज के बीच में हुआ वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या हम खुद को उनके झगड़े से दूर नहीं रख सकते? हम अपने प्यार में दूरियां, फासले, डिफरेंसेस क्यों आने दें? चाहते तो हम भी नहीं थे कि बात इतनी बढ़ जाए। रानी तुम्हें पता है मेरे लिए तो तुम आज भी मेरी वही छोटी सी प्यारी सी लाडली सी बहन हो। मैं अपनी छोटी बहन को पहले की तरह प्यार भी नहीं कर सकती। अरे शालिनी जी नमस्ते, आप यहाँ? वैसे शालिनी जी घर आए मेहमान को कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब दिल ही दुखा है तो आ तो निकलेगी ना। वैसे आप लोगों ने जो हमारे साथ किया वो ना ही अपनों का काम है और ना ही शरीफों का। हमें कहने दीजिए देवरानी जी, कहने दीजिए, बैठ जाइए। हाँ तो शालिनी जी, आपने और आपके पति ने जो राज के साथ किया ना, उसके लिए हमारा पूरा परिवार आपको कभी माफ नहीं करेगा। इन्हें तो आप बहला फुसला लेंगे। आपकी छोटी बहन जो है और भोली भी, लेकिन जब ये बात राज के भैया को पता चली ना तो उनका तो खून ही खौल उठा। अगर गलती से भी आपके पुनीत जी इनके सामने आ गए ना तो दो चार तो छोड़ ही दो, 2000 बातें सुनाने भी कम नहीं करेंगे वो। याद रखिए भाभी आप प्लीज। रानी क्या तुमने ये बात अपने घर में सबको? हाँ भाई क्यों नहीं बताएगी? आप शायद भूल रही है, वैसे बता रहे अब ये इस घर की बहू है। वो इस घर के इज्जत के बारे में सोचेगी या मित्तल बहनों की गुनगानी गाती रहेगी? बोलिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हाँ मैं तो ये भूल गई थी कि मेरी छोटी बहन अब इस घर की बहू बन चुकी है और उसे अपनी बहनों से या उनकी इज्जत से कोई लेना देना नहीं। रानी मैं तो यहाँ पर सब कुछ भूलने भुलाने के लिए आई थी। कुछ गलतियां तुमने भी की थी लेकिन तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी। मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन है, मैं तुमसे बड़ी हूं रानी, फिर भी मैं आज तुम्हारे घर तुमसे माफी मांगने के लिए आई। लेकिन तुमने तो मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि मैं तुम्हारे घर में खड़ी हो सकूं। जी, मुझे तुम्हारी समझदारी पर विश्वास था, मुझे भरोसा था कि तुम अपने मायके की इज्जत अपने ससुराल में बनाकर रखोगी। कितनी गलत थी मैं, कितना गलत सोचती थी, और सबसे बड़ी गलती तो मुझसे ये हुई कि आज मैं तुम्हारे घर यहां माफी मांगने के लिए आई। भाभी क्या है? हमने क्या किया? हमने तो सिर्फ बोला। आरती तू भी ना Oh,
रानी क्यों बार बार फोन कर रही हो? जी जी प्लीज फोन मत काटिएगा, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। इतनी बातें तो सुन ली है तुम्हारे घर पर, अब कुछ और सुनना बाकी है क्या? हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, लेकिन बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद अगर आप फिर भी नाराज रहना चाहती हैं हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जी जी हम जानते हैं कि आपको अच्छा नहीं लगा कि हमने पुनीत चीजों वाली बात घर में सबको बता दी, लेकिन हम क्या करते, हम भी मजबूर थे जी जी। आप खुद ही सोचिए, एक दिन पहले इसी घर में राज को इतनी बड़ी नौकरी मिलने की खुशी मनाई गई और अगले ही दिन इतनी बड़ी बात हो गई, फिर भी राज ने किसी से कुछ नहीं कहा, हमें तक कुछ नहीं बताया। वो तो हमने उन्हें अमित जीजू से बात करते हुए सुन लिया। जी जी आप जानती हैं राज की जब से नौकरी गई, मनोज भैया ने उन्हें कितनी तीखी कड़वी बातें सुनाई, कितनी बेइज्जती की उनकी, उन्हें ऐसे जताया जैसे वो नौकरी के लायक ही नहीं थे। अब आप ही बताइए जी जी, उनकी इतनी बेइज्जती होते हुए हम कैसे चुप रह सकते थे? हमें सबको बताना पड़ा कि गलती राज ही नहीं बल्कि पुनीत। जी जी आप सुन रही हैं ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ सुन रही हूँ। अब आप ही बताइए जी जी, हमने जो कुछ भी किया क्या वो गलत था? देखो रानी, तुमने वो किया जो तुम्हें ठीक लगा, अच्छा हुआ तुमने मुझे कुछ सिखा भी दिया। आज से तुम अपने पति की इज्जत का ख्याल रखो और मैं अपने पति की। Is that clear? हेलो। हाँ शेखर, मैं देख बाइक चला रहा हूँ, देखो थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। हाँ चल ओके बाय। गाड़ी साइड लग गया। क्या कर रहे हो आप? तो बहुत बड़े हीरो हो, गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल पे बात कर रहे हो। नहीं सर देखिए, एक्चुअली मैं अपने दोस्त के साथ। लाइसेंस दीजिए। देखिए कोई बहुत ज़रूरी बात थी। देखिए टाइम की खोटी मत करिए, लाइसेंस दीजिए। आपको सोचना चाहिए, दो पहिया चार पहिया गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पे बात नहीं किया जाता, फाइन लगता है। देखिए सर प्लीज प्लीज आगे से नहीं होगा। ₹200। ये तेरे पापा की दवाओं की चिट्ठी है, ये याद से लेते आना लौटते वक्त। अरे राज, जरा ये ऑफिस जाते वक्त बिजली का बिल भर दोगे? आज आखिरी तारीख है। सर लेकिन मैं आगे से नहीं करूंगा सर, प्लीज प्लीज पकड़िए। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए सर। आप कानून तोड़ोगे तो इसके अंदर हम लोग को फाइन मारना ही पड़ता है, हम क्या करेंगे? ये याद से लेते आना लौटते वक्त। जरा ये ऑफिस जाते वक्त बिजली का बिल भर दोगे? आज आखिरी तारीख है।
ये घड़ी रानी ने पसंद की थी हमारी शादी के वक्त, पर अब और कोई चारा भी तो नहीं है।